तो हाँ जी, सुपारी जिसका काफी ज्यादा इस्तेमाल गुटके में किया जाता है और हमारे यहाँ पर्व त्योहार में भी पूजा के समय इस सुपारी का इस्तेमाल किया जाता है। कभी न कभी आपने पान तो जरूरी खाया होगा, उस पान में भी इसी सुपारी का इस्तेमाल किया जाता है और हमारे अजय भैया वाले बिमल पान मसाले में भी इसी सुपारी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन शायद आपको भी नहीं पता होगा कि आखिर सुपारी बनता कैसे है, तो इसलिए आज के इस वीडियो में सुपारी बनाने की पूरी प्रोसेस को बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि जिस सुपारी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वह डायरेक्ट पेड़ों से तोड़ा हुआ नहीं होता, बल्कि कच्चा सुपारी कुछ इस प्रकार दिखता है। अगर हम कच्चे सुपारी का सेवन करते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि सुपारी हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाए रखती है। सुपारी की खेती के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, इसीलिए तो भारत में सबसे ज्यादा सुपारी की खेती असम, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटका में की जाती है। सुपारी का पेड़ भी बिल्कुल नारियल के पेड़ की तरह ही दिखते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 50 से 60 फीट तक होती है और इनके फल भी बिल्कुल खजूर के फल की तरह ही दिखते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर सुपारी बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले सुपारी के पौधे को नर्सरी में कुछ इस प्रकार लगाया जाता है और जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तब इन्हें फार्म्स में लगा दिया जाता है और लगभग 4 से 5 सालों में ये बिल्कुल नारियल के पेड़ की तरह दिखने लगते हैं, जिसके कुछ ही महीनों के बाद इन पेड़ों में फल लगना भी शुरू हो जाता है। सुपारी का एक पेड़ लगभग 70 सालों तक फल देता है और इन पेड़ों में सुपारी बिल्कुल खजूर की तरह ही झुंड में फलता है। जब सुपारी अच्छी तरह से पक जाते हैं तब इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। इस काम को काफी सावधानी से किया जाता है, क्योंकि छोटी सी गलती भी वर्कर्स की जान ले सकती है, इसीलिए तो इस काम को केवल ट्रेंड वर्कर ही करते हैं। अब इस तोड़े हुए सुपारी के गुच्छे को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, जहाँ पर वर्कर्स इसे पीट पीट कर सुपारी को गुच्छे से अलग कर देते हैं। इसके बाद इसकी डीहक्सिंग की जाती है, जिसमें सुपारी के ऊपर मौजूद छिलके को एक एक करके हटा दिया जाता है। इस काम में भी काफी ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि ये लोग हाथों से ही धारदार चाकू की मदद से छिलके को हटाते हैं। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो इनकी हाथ भी कट सकते हैं, इसीलिए तो बहुत सारे वर्कर्स हाथ में चमड़े के ग्लव्स पहनकर इस काम को करते हैं। ये लोग इस काम को काफी तेजी से करते हैं, क्योंकि इनके पास इस काम को करने की काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। यहाँ तक कि इनके बच्चे भी इस काम को काफी तेजी से करते हैं। जब सारे फलों से सुपारी को निकाल लिया जाता है तो उसे एक भट्टी में डालकर कत्थे के साथ उबाला जाता है, क्योंकि फलों से निकाला गया सुपारी काफी ज्यादा कड़वा होता है। जब सुपारी को कत्थे से उबाल दिया जाता है तो उसका कड़वापन समाप्त हो जाता है, साथ ही कत्थे में उबालने की वजह से सुपारी लाल हो जाता है, जिसके बाद इन्हें लगभग 10 दिनों तक धूप में फैलाकर अच्छी तरह से सुखाया जाता है। जब यह अच्छी तरह से सूख जाते हैं तब इन्हें गुटखा बनाने वाले फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां पर इन्हें छोटे छोटे टुकड़े में क्रश करके गुटखा बनाया जाता है। तो इतनी सारी प्रोसेस के बाद सुपारी बनकर तैयार होता है। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपने कभी सुपारी खाया है या नहीं, और यदि वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजफुल लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। यदि आप जानना चाहते हैं कि केसर कैसे बनता है तो लेफ्ट वाले वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।